भारतीय बैंकिंग सेक्टर के बड़े बैंकों को छोड़कर अगर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के बड़े बैंक HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाने की सोच रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप एक साल से लेकर दो साल तक की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा और नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। सो जैसे ही मैं नीचे आऊंगा, देखिए दोस्तों, नीचे आने के बाद राइट हैंड साइड में हमें ऑप्शन मिल रही है जी इंटरेस्ट रेट की। तो जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करता हूँ, हमारे सामने एक नया वेब पेज खुल के आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स लेस देन 2 करोड़। तो जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं वो किए गए हैं जी एप्लीकेबल फ्रॉम 9th February 2024, यानी कि 9 फरवरी 2024 से रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी। अगर हम बात करें 7 से 14 दिन के लिए, 15 से 29 दिन के लिए, तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 3.00% जर्नल पे, इसके अलावा 3.50% सीनियर सिटीजन पे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 90 दिनों के लिए, यानी कि 3 महीनों के लिए, तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 4.50% सीनियर सिटीजन पे, 5.00%। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए 9 महीने 1 दिन से लेकर लेस देन 1 साल के लिए, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा जी, 6.00% सीनियर सिटीजन पे, 6.50%। अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए दोस्तों, 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.60% सीनियर सिटीजन पे, 7.10%। बाकी दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्पेशल FD प्लान HDFC बैंक में मिल जाते हैं, जैसे 15 महीनों से लेकर लेस देन 18 महीनों के लिए, 18 महीनों से लेकर लेस देन 21 महीनों के लिए। सो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया मिल रहे हैं जी, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल जो टाइम पीरियड है, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए। तो देखिए दोस्तों, 2 साल के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा जी, 7.00% और सीनियर सिटीजन पे 7.50%। बाकी दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट की, जैसे कि 5 साल के लिए, 5 से 10 साल के लिए, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7.00% सीनियर सिटीजन पे, 7.50%। तो अब आपने दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिया, हम बात करेंगे कि अगर आप HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो देखिए, अगर हम बात करें 2 साल के लिए तो 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7.00% सीनियर सिटीजन पे, 7.50%। सो हम इसके बिहाफ पर कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि आप कितनी मेच्योरिटी वैल्यू हासिल कर लेंगे। तो मैं सीधा ही FD कैलकुलेटर के ऊपर पहले चलता हूं जी। देखिए फ्रेंड्स, FD कैलकुलेटर हमने ओपन किया है। मान के चलिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.0%, टाइम पीरियड है जी 2 साल के लिए, लेकिन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो एन्युअली होगा। तो देखिए 1 लाख के ऊपर आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 2 साल के लिए वो कितनी हो जाएगी, 1,14,490 रुपये, यानी कि 14,490 रुपये आपको जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन पे 7.50% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, 1,15,562 रुपये जो हैं वो आपको मेच्योरिटी वैल्यू के रूप में मिल जाएंगे, यानी 15,562 रुपये जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे।
सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए 3 लाख इन्वेस्ट करने पर सबसे पहले अगर हम जर्नल की बात करें तो देखिए 2 सालों के लिए आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3,43,470 रुपये। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो देखिए 7.50% के हिसाब से आपकी जो 3 लाख के ऊपर मैच्योरिटी वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, 3,46,687 रुपये, यानी कि 46,687 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जी, अगर आप HDFC बैंक में 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा जी, 5 लाख के ऊपर अगर हम जर्नल के बिहाव पर सबसे पहले कैलकुलेट करें 7.0% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो देखिए जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं 5 लाख के ऊपर आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी जी, 5,72,450 रुपये, यानी कि 72,450 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर आप HDFC बैंक में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा जी, 5 लाख के ऊपर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, 5,70,812 रुपये, यानी कि 70,812 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 साल के लिए, तो अगर आप 10 लाख रुपए लगा देते हैं, तो देखिए 10 लाख के ऊपर अगर हम 7.0% के हिसाब से कैलकुलेट करें 2 सालों के लिए, तो क्या होगा जी, 11,44,900 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी कि 1,44,900 रुपये आपका जो उसके ऊपर ब्याज बन जाएगा। सो अगर हम 10 लाख रुपये 7.5% के हिसाब से कैलकुलेट करें, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर, तो देखिए क्या होगा, 10 लाख के ऊपर आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,55,625 रुपये, 1,55,625 रुपये आपकी ब्याज की राशि हो जाएगी। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने कैलकुलेट किया, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों संभावना अभी बिल्कुल नहीं लग रही कि नए फाइनेंशियल ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए जाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।